नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के बदरिया मुक्ति धाम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुए अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों के हेरफेर का मामला प्रकाश में आया है। यहां दो दिन पूर्व जिस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया गया, उसके परिजनों को मां की अस्थियां तक नसीब नहीं हुई। मुक्तिधाम से अस्थियों के गायब हो जाने के बाद मजबूर परिजन मुक्तिधाम से अस्थियों की जगह मिट्टी समेट कर ले गए और प्रयागराज में विसर्जन किया। बता दें कि अस्थियां ना मिलने से परिजन काफी दुखी हुए और उन्होंने इसे एक बड़ी लापरवाही बताई है। दरअसल सतना जिले के मुख्तियारगंज निवासी पैसूनिया बाई पटेल को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां 20 मई को उसकी मौत हो गई। हालांकि बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन परिजनों ने एहतियात के तौर पर रीवा के ही बदरिया मुक्ति धाम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया, जहां महिला के बड़े बेटे सूरज पटेल ने मुख अग्नि दी थी। बताया गया कि अंतिम संस्कार के बाद शनिवार को जब पुत्र सहित परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब थी। परिजनों ने मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराने वाले जिम्मेदारों से भी बातचीत की, लेकिन जब अस्थियां नहीं मिली तो परिजन मुक्तिधाम की मिट्टी प्रयागराज ले जाकर उसे विसर्जित कर दिया। मामले में जिम्मेदारों ने अस्थियों को धोखे से दूसरों को देने की बात कही है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने इसे बड़ी लापरवाही बताते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ जो ये अंतिम संस्कार होता है, अस्थियां उठाई जाती है, देख रेख आप करते हैं? जी नहीं, ये जिस दिन कोविड बाड़ी रहती है सर, उस दिन हम लोग आते हैं, और जब कोविड बाड़ी नहीं होती है तब हमारा आने का कोई यहाँ उचित नहीं है। अच्छा, ये कोविड बाड़ी का जो सस्पेक्टेड या फिर कोविड बाड़ी होती है उसका आप जिम्मेदारी है? सिर्फ जलाने की जिम्मेदारी, सिर्फ जलाने की बात। ये बताइए, यहाँ जो जैसे कोविड बाड़ी आपने जला दी जी, तो उसके परिजन क्या अस्थियां लेने आते हैं? जी हाँ, आते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं भी आते हैं, तो उनका एक हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं, जब अगर नहीं आते हैं तो हम यही नदी में विसर्जित कर देते हैं। एक महिला या मुखियागंज की सपना की थी जी, उनको 20 तारीख को इनकी सस्पेक्टेड में मौत हो गई थी, यहाँ से संस्कार किया गया था जी, लेकिन वो जब अस्थियाँ लेने आई थी यहाँ बता रही थी जूता पता था, उसके बाद वो मिट्टी था कि यहाँ से अस्थियों के रूप में ले गई है, तो ये कैसे हो सकता है? सर जैसे एक मिट्टी यहाँ पे जली, एक बगल में जली है, तो उन्होंने धोखा खा लिया होगा परिजनों ने, बाकी उसमें अस्थियों में आप स्वयं समझ सकते हैं कि कोई लेना देना तो है नहीं है, ना कि मेरा या कि अंगले का, राख में क्या रखा है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, अस्थियों की मेरी जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ मेरी बाड़ी जलाने की जिम्मेवारी है कि बाड़ी पूर्ण रूप से जल जाए। अच्छा जी, जो छोड़ चले जाते हैं फिर मतलब आप उसको नदी में डलवा देते? जी हाँ जी, जो नहीं लेने आते, जो नहीं लेने आते, कई प्रकार से अस्थियां यहाँ पे उठाते हैं लोग बाग, जैसे कि कोई किसी ने 5 हड्डी उठाई, किसी ने 2 हड्डी उठाई, किसी को तत्काल जरूरत है तो उसने चिमटी भर 2 हड्डियां उठाई और लेके बाकी राख छोड़ के चले गए हैं, फिर भी तुरंत नहीं फेंकते, उसको कम से कम 5 दिन तक वेट करते हैं। नियमानुसार 4 दिन में अस्थियाँ उठाई जाती हैं, तो अगर 4 दिन में नहीं उठाई तो हम 1 हफ्ते तक वेट करते हैं, अगर नहीं उठाया तो फिर लेके हम नदी में विसर्जित करते हैं। सर क्या नाम था आपको? संतोष।